आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें सीढ़ी पर टाइल्स लगाना है तो कितने हज़ार रुपए खर्च होंगे, कितने की हमारी टाइल्स आएगी, कितने के सीमेंट सैंड आएंगे और लेबर कॉस्ट क्या पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं इस शॉर्ट वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइल्स की कि कितनी टाइल्स हमें चाहिए, मार्केट में टाइल्स का रेट क्या चल रहा है। जो स्टेयर की टाइल्स होती है, सीढ़ी की टाइल्स होती है, वो स्पेशल सीढ़ी के लिए डिज़ाइन रहती है, तो उसका कितना कॉस्ट पड़ जाएगा ये देखते हैं। जो टाइल्स है हमारी वो अराउंड, ये डिपेंड करती है आपके स्टेयर में स्टेप कितना है, 18, 19, 20, तो आप ये काउंटिंग कर लोगे कि कितनी स्टेप्स आ रही है। तो नॉर्मली हम मान लेते हैं कि जो स्टेप है वो 20 स्टेप है और हर एक स्टेप में आपका एक राइज़र होगा, एक ट्रेड होगा और उसकी कॉस्ट अराउंड आपको पड़ जाएगी 500 रुपीज़ पर स्टेप। अब ये स्टार्ट हो सकती है 400 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, जिस हिसाब की आप टाइल्स पसंद करोगे उसका रेट उस पर डिपेंड होगा, लेकिन नॉर्मली आपको 500 रुपीज़ पर स्टेप के आसपास एक अच्छी टाइल्स आपको मिल जाएगी। तो यानी अगर हमें 20 स्टेप पे टाइल्स लगाना है और एक स्टेप का जो टाइल्स है हमारा 500 रुपीज़ का है, तो यानी 20 स्टेप्स का कितना हो गया, ये 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये की हमारी टाइल्स आ जाएगी। 10,000 रुपये में हम टाइल्स खरीद लेंगे। सीमेंट सैंड की बात करें तो सीमेंट सैंड अराउंड आप मान के चलो 1,500 रुपये से लेके 2,000 तक में आपका ये सीमेंट सैंड आ जाएगा, ये इनफ होगा। तो हम ये मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 2,000, इसमें लिख देते हैं, ये आपका 1,000, 1,500 के आसपास आपका सीमेंट सैंड पड़ जाएगा उसमें। तो हम 2,000 ले लेते हैं जिसमें आपका सीमेंट और सैंड दोनों इंक्लूड रहेगा। अब लेबर कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट एक स्टेप लगाने का वो है 300 रुपये। 300 रुपये में वो आपको ट्रेड लगा के देगा, राइजर लगा के देगा। ट्रेड क्या होता है, जैसे मान लो स्टेप है तो जिस पे पैर रखते हैं वो कहलाता है ट्रेड, और ये वाला जो पार्ट होता है वर्टिकल पार्ट वो होता है आपका राइजर, और जो सीढ़ी है उस पर स्कर्टिंग भी लगा के ये सारा जो कॉस्ट आएगा एक स्टेप लगाने का वो 300 रुपीज़ आएगा। यानी हमें 20 स्टेप्स पे टाइल्स लगवानी है स्टेयर पे, तो एक स्टेप पे टाइल लगाने का कॉस्ट है वो है 300 रुपये। तो यानी 20 स्टेप पे टाइल्स लगाने का कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, 20 × 300, ये अराउंड आपका आ जाएगा 6,000 रुपये आपका लेबर कॉस्ट पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है ये टाइल्स लगाने का, 10,000, ये 6,000 प्लस 2,000, ये कितना आपका हो गया 18,000 रुपये। ये टोटल कॉस्ट आपका 18,000 रुपये आ जा रहा है। अब जो टाइल्स का, जैसे कि हमने बताया था आपको 500 रुपये पर स्टेप के हिसाब से एक अच्छी टाइल्स मिल जाएगी, तो ये स्टेयर के टाइल्स के बहुत सारे रेंजेस होते हैं, लेकिन 500 रुपये के आसपास आपको अच्छी टाइल्स मिल जाएगी। अगर बात करें हमें ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट अगर हम लगवाते हैं स्टेयर पे तो कितने का फ़र्क इसमें पड़ेगा, इस टॉपिक पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन नॉर्मली हम आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी शेयर करते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रेनाइट लगवाते हैं, जो ग्रेनाइट की स्टार्टिंग है वो 100 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग होगी, और डिपेंड करता है आप किस टाइप की ग्रेनाइट पसंद कर रहे हो। तो मान के चलो 100 रुपये, 110 रुपये, 120 रुपये के 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको एक अच्छी ग्रेनाइट मिल जाएगी। और बात करें लेबर कॉस्ट की, तो पर स्टेप अगर हम ग्रेनाइट लगवाते हैं तो उसका कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ है। 500 रुपये लगेगा एक स्टेप लगाने में, यानी एक राइज़र, एक ये राइज़र और एक ट्रेड लगाने में 500 रुपीज़ आपका लग जाएगा। टाइल्स और ग्रेनाइट लगवाने में दोनों में कितने का फ़र्क आएगा, उसका लिंक जो है हम स्क्रीन पे दे दे रहे हैं, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।